किसी वृत्त के अंतर्गत एवं बहिर्गत समबहुभुज की रचना करना। रचना निर्मेय 10, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक समपंचभुज की रचना कीजिए। बच्चों, अब हम फिर से एक नई और बहुत मजेदार रचना करने जा रहे हैं। अभी हम एक वृत्त के अंदर समबहुभुज की रचना करने जा रहे हैं। समबहुभुज सम त्रिभुज भी हो सकता है, सम चतुर्भुज भी हो सकता है, सम पंचभुज, सम षष्ठभुज, कुछ भी हो सकता है। एक करना यदि आप सीख लें तो आप अपने मन से किसी और भी बहुभुज की रचना कर सकते हैं। तो आइए देखें यह रचना कैसे होती है। हमें जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर हमें सम पंचभुज की रचना करनी है। चूँकि त्रिज्या बहुत कम है और आपको यहाँ काफ़ी बड़ा और अच्छा चित्र दिखाई पड़े, इसलिए हम इसकी त्रिज्या ठीक दुगनी कर लेते हैं। यहाँ आपको देखने में आसानी होगी कि हम रचना कैसे कर रहे हैं। तो हम एक ऐसे वृत्त की रचना करते हैं जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है। हम प्रकार की मदद से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लें। यहाँ पर ये देखिए, ये हमने 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली और इस त्रिज्या को लेकर के एक वृत्त की रचना की। ये आपका वृत्त पूरा हुआ। एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसका केंद्र है, इसे आप नाम दे दें ओ, और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को ओ से आप मिला दें। इस बिंदु को नाम दे दें ए। अब आपको इसके अंदर एक समपंचभुज की रचना करनी है। समपंचभुज में 5 भुजाएं होंगी जो सभी बराबर होंगी और प्रत्येक भुजा केंद्र पर बराबर कोण बनाएगी। आपको मालूम है केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 अंश का होता है। यदि आप 360 में 5 का भाग दें तो आपको परिणाम मिलेगा 72। इसका मतलब यह हुआ कि समपंचभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 72 अंश का कोण बनाएगी। अब अगर हम यहाँ पर 72 अंश का कोण बनाएं तो देखें क्या होता है। ये प्रकार को चांदी को हमने यहाँ पर रखा और 72 अंश का कोण बनाया। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 के बाद ये 2 खाने हमने छोटे वाले और लिए, ये बना 72। इसे हम मिला दें और से इस बिंदु को मिलाया, और जहां पर ये बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है इसे नाम दे दें आप बी। तो कोण AOB की माप है 72 अंश। अब आप ये जो त्रिज्या का ये चाप देख रहे हैं AB, ये चाप केंद्र पर 72 अंश का कोण बनाता है। यदि ऐसे ही चाप हम और खींचें तो वो सभी के सभी चाप केंद्र पर 72 अंश का कोण ही बनाएंगे। इसे हम B पर रखें और यहाँ एक निशान लगाएं, फिर यहाँ रखें, एक और निशान बनाएं, फिर यहाँ रखें और फिर एक निशान बनाएं। तो प्रत्येक चाप जो हम यहाँ बना रहे हैं वो सभी के सभी केंद्र पर 72 अंश का कोण ही बनाएंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बराबर लंबाई के चाप केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। इन सभी बिंदुओं को हम वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे।
ये हमने इसे भी मिला दिया, एक और बचा इसे भी मिलाइए, आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा वृत्त पांच बराबर खंडों में बट गया। अब इन्हें नाम दे दें आप, ए और बी तो आपने लिख ही दिया है, इसे नाम दें सी, ये बिंदु डी और ये बिंदु ई। क्रमशः इन सभी बिंदुओं को आप मिलाएं, ये आपने ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिला दें, इसी तरह सी और डी को भी मिलाइए, और डी को भी मिलाएं, एक और बच गया ई और ए, इसे भी मिला दें, आप देख रहे हैं आपके सामने एक पंचभुज बना है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए आप इसे सम पंचभुज कह सकते हैं, सम पंचभुज ए बी सी डी ई। तो आपने एक वृत्त के अंदर सम पंचभुज की रचना कर ली। इसी तरह से आप किसी भी बहुभुज की रचना कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भुजाओं वाले बहुभुज की रचना करनी है, भुजाओं की संख्या का भाग दें आप 360 में, तो केंद्र पर बनने वाला कुल कोण उतने हिस्सों में बढ़ जाएगा, और फिर एक कोण की रचना आप करें एक बार, जो चाप आपको मिलता है उस बराबर उसकी लंबाई के बराबर चाप आप वृत्त पर काट लें, आपको जितने बिंदु मिलेंगे उन सब बिंदुओं को मिला दीजिए। इस प्रकार किसी भी चाहे गए बहुभुज की रचना आप वृत्त के अंदर कर सकते हैं। तो ये एक रचना हुई, और मुझे यकीन है कि आप इस तरह की रचना बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो एक कोशिश करके देखिए। सोचें एवं चर्चा करें। पंचभुज के लिए केंद्र पर एक कोण 360 अंश बटे 5 है और षटभुज के लिए 360 अंश बटे 6 है। क्या n भुज के लिए 360 अंश बटे n हो सकता है?